जैसा आपने थंबनेल में देखा था एकदम वैसा बनाने वाले हैं। चलिए मैं गाइस क्रिएटिव में बनाने वाला हूँ, आप इसे सर्वाइवल मोड में भी बना सकते हैं। चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 ग्लासेस लगा देनी है और इसको 3 ब्लॉक्स की हाइट पर बनाना है आपको गाइस। चलिए इसको जल्दी से बना लेते हैं। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे वुड प्लैंक्स लगाने हैं 1, 2, 3। और फिर आपको ये ऊपर की जो हट है इसे ऐसे कवर कर देना है, इसको भी 4 ब्लॉक्स पे कवर करना है गाइस इस तरीके से। तो चलिए जल्दी से कर देते हैं गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है सब उसको बनने के बाद देखने में। तो आपको एकदम सिंपल वैसे ही ऐसे कर देना है यहाँ भी। तो गाइस इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर्स है इसको यहाँ पे आपको वुड प्लैंक्स लगा देने हैं और फिर इस साइड भी आपको वुड प्लैंक्स लगा देने हैं। फिर आपको वाइट कॉन्क्रीट लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइट कॉन्क्रीट भर देना है। तो गाइस लगता है एंट्रेंस तो हमारी तैयार होने ही वाली है, तो चलिए पहले एंट्रेंस को अंदर से भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको डोर्स लगा देने हैं, ठीक है गाइस। डोर्स लगाने के बाद आपको एक बहुत ही बढ़िया सा ऊपर इस तरीके से सरफेस तैयार कर देना है। आपको जितना बड़ा सरफेस तैयार करना है आप कर सकते हैं। ओ टूट गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से जोड़ देते हैं। तो गाइस आप कुछ ऐसा बना लेना। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाइट कॉन्क्रीट लेनी है और ऊपर फिल करनी है। सो ओके गाइस, इतना फिल होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको ओक वुड प्लैंक्स दिख रहे हैं 1, 2, 3 आपको ऐसे लगा देना है। और मैं आपको बताऊँ मैंने वाइट ब्लॉक्स क्यों लगाए, मतलब सॉरी कॉन्क्रीट ब्लॉक्स, क्योंकि इससे लुक बहुत अच्छी लगती है घर की। फिर आपको गाइस क्या करना है, ये जो नीचे डर्ट है ना इसे तोड़ के आपको क्वाड ब्लॉक्स लगा देने हैं। तो तब तक मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने लैंडफिल कर दिया है, अब चलिए बाहर चलते हैं। अब हमें लगानी है अपने घर में स्टेयर्स, ठीक है गाइस। तो गेट खोलते हैं, बड़ा आलीशान घर लग रहा है गाइस। तो हमें देखो क्वाड वाली स्टेयर्स लगाएंगे गाइस हम, तो जल्दी से क्वाड वाली स्टेयर्स लगा लेते हैं। तो देखिए गाइस आपको एकदम इस तरीके से क्वाड वाली स्टेयर्स लगानी है, तो ठीक है गाइस। तो जल्दी से गाइस क्वाड वाली स्टेयर्स आप लगा लेना। ओ गाइस एक प्रॉब्लम हो गई, रुको। हाँ गाइस मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गया था कि आपको ये जो ब्लॉक्स ये लगाने हैं ना यहाँ, ये आपको 10 ब्लॉक्स लगाने हैं, ठीक है गाइस आप 10 ब्लॉक्स लगा लेना। तो जब स्टेयर्स रेडी हो जाएगी मैं आपको अभी दिखा दूँगा, इतने में पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। तो ठीक है गाइस ये हमारी स्टेयर्स रेडी हो चुकी है। इसके बाद आपको वाइट कॉन्क्रीट लेनी है और आपको इस तरीके से फिल कर देना है। लगता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर बनने वाला है गाइस आज, तो इसमें रहूँगा मैं। तो ठीक है गाइस ये बन चुका है। इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, ये 1, 2 एंड 3, 4, तो ये 4 हाइट का आपको ये रखना है, ठीक है गाइस। तो अब मैं इसको ऐसे फिल कर लेता हूँ। इसके बाद गाइस हम इसके ऊपर, अभी घर पूरा नहीं बना है, रुक जाओ गाइस रुक जाओ। तो चलिए इतने में वीडियो को फिर से पॉज कर लेता हूँ। तो गाइस आपको फिर क्या करना है, जैसे कि जो ये है ना, जब हम स्टेयर्स रेडी कर लेंगे तो आपको ना यहाँ अंदर जाके देखना है कि ये कैसा लग रहा है। तो आपको जैसे कि ये है, ये इसे तो मैंने सॉरी गाइस पहले बंद कर लिया था, फिर अंदर जाना है, इस चीज़ को बंद कर देना है। तो गाइस आपका कुछ ऐसा रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको ग्लास लेना है और ग्लास को अपने घर के इस साइड लगा देना है। ओके इतना लग गया, बस गाइस ग्लास तो लग ही गए। अब आपको पीछे के साइड भी ग्लास लगाना है, तो ये तो आपको इतना फिल करना है। देखिए गाइस आपको इसे इतना, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 4 तक फिल कर देना, तो ये ऐसा हो जाएगा। और फिर यहाँ भी इतना फिल कर देना है।
यहाँ वन ब्लॉक और फिल करना है गाइस आपको, और फिर आपको यहाँ भी ग्लासेस लगा देनी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अरे यार ये उड़ना पड़ेगा क्रिएटिव में भी। तो ठीक है गाइस, अगर आपने ये लगा दिया है तो 2 सेकंड गाइस ये गलती हो गई, सॉरी गाइस उसके लिए। आपको ये तोड़ना है, फिर यहाँ भी थोड़ा सा और ग्लास भर देना है। घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनने वाला है लगता है आज, तो ज़्यादा ही आलीशान हो गया। तो फिर आपको गाइस क्या करना है, आपको वुड प्लैंक्स लेने हैं, वुड प्लैंक्स का लेना है, कॉन्क्रीट लेना है। हाँ गाइस कॉन्क्रीट लेना है, 1 2 3 यहाँ भी ऐसे भरना है और यहाँ भी 1 2 3 नहीं इसको नहीं भरना है, सॉरी फिर ऐसे करना है और फिर यहाँ भी आपको ग्लासेस भर देने हैं। चलिए लगता है बात हमारा अंदर का तो तैयार गाइस हो ही गया है, अब हमें ऊपर का भी तैयार कर देना होगा। तो अभी गाइस ऊपर भी चलेंगे, चिंता मत करिए ऊपर भी चलेंगे, अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया घर होने वाला है। देखिए गाइस हमारा इतना घर तो रेडी हो गया है, तो अब अंदर जा कर देख लेते हैं कैसा लग रहा है हमारा आलीशान घर। ओ वाओ गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये घर, तब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर का रेडी करेंगे। ठीक है गाइस ऊपर चलने के बाद आपको, तो गाइस मैं सोच ही रहा था मैं ऊपर क्या बनाऊं, मैंने सोचा कि एक रूम बनाते चलो ऊपर। तो अब रूम के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको 3 वुड प्लैंक्स दिख रहे हैं ना यहाँ, इसके ऊपर आपको 1 2 3 4 वाइट कंक्रीट लगा और फिर एकदम सीधे चल के यहाँ भी 1 नहीं थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, 1 2 3 4 तो 4 वाइट कंक्रीट लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये 1 2 3 4 यहाँ पे आपको 4 वुड प्लैंक्स लगाने हैं और 4 वुड प्लैंक्स यहाँ, 1 2 3 4 4 वुड प्लैंक लिया और 1 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरीके से आपको लगा देने हैं थोड़े से वुड प्लैंक्स। तो लगता है थोड़ा सा अब घर का जो वो है लुक वाइज वो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा भी बेकार तो नहीं लग रहा है ना गाइस, कमेंट में बता देना है कैसा घर लग रहा है आपको हमारा। तो देखिए गाइस आपने इस तरीके से बना दिया है, वो लगता है कुछ गलती हो गई, चलो कुछ नहीं गलती हुई गाइस। अब आपको इस तरीके से तोड़ देना है और ये अब यहाँ आपको डोर फिक्स कर देना है। ठीक है अब देखिए गाइस हम अंदर जा सकते हैं, तो आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तो तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कुछ वो लेने हैं वुड प्लैंक्स नहीं सॉरी ग्लास लेने हैं और यहाँ पे 1 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से आपको ग्लास लगा देने हैं गाइस। ठीक है तब तक मैं वीडियो फिर से पॉज कर लेता हूँ। गाइस मेरे से एक और गलती हो गई फिर से, तो यहाँ पे आपको इस कंक्रीट को तोड़ देना है, फिर से तोड़ना और यहाँ तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, ये एक और वुड प्लैंक तोड़ना है। अभी गाइस रुक जाओ अभी बहुत बढ़िया हमारा होम बनने वाला है। तो ठीक है गाइस ये तोड़ दिया आपने, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वाइट कंक्रीट फिल करना पड़ेगा लगता है, तो इसे तोड़ दिया है। यहाँ पे आपको गाइस वाइट कंक्रीट भर देनी है, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लगता है ये तो बहुत ही गंदा सा लग रहा है गाइस, रुको अभी और अच्छा बनाएगा गाइस। ये थोड़ी सी ये ग्लासेस तोड़ देता हूँ, ये मैंने गलती कर दी। तो गाइस आप इसे सर्वाइवल क्रिएटिव किसी में भी बना सकते हैं, तो आपको फिर क्या करना है, ये फिर से तोड़ लेना है, इस गेट को भी तोड़ो यार, ये गलती आज बहुत हो रही है लगता है। तो यहाँ आपको 1 2 इस तरीके से भर देंगे, तो यहाँ भी 1 2 1 2 तो फिर ये तोड़ना गाइस। आपको लगता है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जल्दी से फिनिश करते हैं इस घर को गाइस। तो मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। तो डोर आपको उस साइड लगाना है, ठीक है इस साइड से डोर लगाना ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, और फिर आपको क्या कहते हैं वुड प्लैंक्स भर देने इस साइड पे। गाइस आपको पूरा ऐसे ग्लासी कवर कर लेना है, फिर आपको ये वाइट कॉन्क्रीट लेके आपको इस तरीके से फिल कर देना। नीचे का तो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऊपर का भी लग रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया घर बनने वाला है, आपको इसे पूरा कवर कर देना है। ठीक है गाइस
सो देखिए गाइस हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बाहर जाना है और बाहर जाके अरे यार ये इस वाले को भी तोड़ना होगा लगता है। कुछ ज़्यादा ही गलती हो रही है गाइस, आज क्या हो रहा है। तो गाइस ऊपर का सरफेस रेडी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ वन ब्लॉक का एक स्पेस छोड़ना है और फिर ऊपर से इस तरीके से आपको निकाल देना है। तो जल्दी से अब गाइस घर बनने ही वाला है, वीडियो भी एंड होने वाली है, तो जल्दी से जाना है, सब्सक्राइब का बटन भी गाइस ठोक ही देना। तो आपको फील करना ही लेना है। सो गाइस देखिए आपको कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, तो गाइस आपको कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, फिर आपको देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा आलीशान घर है ना। तो इस बात पे वीडियो को तो लाइक कर ही देना। तो अभी इसमें थोड़ी सी ग्रिल्स जैसा लुक दे देते हैं गाइस। इसको ग्रिल का लुक देने के लिए आपको क्या करना है, ये जो ग्लास पेन होती है आपको वो यूज़ करनी है। तो इस तरीके से आपको ये ग्लास पेन यूज़ कर लेनी है। ठीक है मैं अब ग्लास पेन भी लगा लेता हूँ, तब तक ये वीडियो फिर से पॉज करनी पड़ेगी। आज पॉज 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 आज मैं क्या कह जा रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाइस देखिए आपको ग्लास पेन भी लगा लेने और देखिए गाइस अपना कितना अच्छा हाउस लग रहा है। इसका इंटीरियर भी आपको एक बार और दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके का तो ये वहाँ का इंटीरियर हो गया, और ऊपर का इंटीरियर तो खैर आपने देख लिया था। तो गाइस उसके लिए सॉरी जो आज मैंने मिस्टेक्स करी है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा, कोशिश करता हूँ। तो देखिए गाइस ये हमारा बन चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स दे देना गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।